सवाल जाति या धर्म का नहीं, सवाल यह है कि देविंदर सिंह डीएसपी है कौन। देविंदर सिंह डीएसपी का 2001 के संसद के हमले, देविंदर सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है? क्या देविंदर सिंह के बारे में आज कहा जा रहा है सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि वो 12 लाख की एवज में 2 उग्रवादियों और 1 उनके सहायक को दिल्ली ला रहा था, शायद 26 जनवरी के दिन हमला करने के लिए? ये षड्यंत्र है क्या? क्या ये देविंदर सिंह अकेले ही काम कर रहा था या वो एक छोटा सा मोहरा है और ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, और उस षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? क्या कहीं कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर आसीन है जिसे इस देश के सुरक्षा मामलों की जानकारी है, कहीं देविंदर सिंह का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं? अगर ऐसा है तो देश की सुरक्षा को और खतरा भी हो सकता है, इसलिए देश के गृह मंत्री को स्वयं इस पूरे मामले की तहकीकात करके देश को वक्तव्य देना चाहिए। जी बिल्कुल, जब पुलवामा हमला हुआ उसमें 42 हमारे सैनिकों की जान गई, वो आरडीएक्स कहां से आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स लेकर कौन आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स देश में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे आ गया कई बार पूछा, वो कार जो आर्मी के कॉन्वॉय में आ ही नहीं सकती थी किसी भी तरह से, वो कार कैसे आ गई हमने कई बार पूछा, पर न मोदी जी ने न अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, न राजनाथ जी ने। अब ये सामने आया है कि यही देविंदर सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। तो क्या देविंदर सिंह एक मोहरा है या देविंदर सिंह ही षड्यंत्र का सूत्रधार है? इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। और क्या देविंदर सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं? इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे मामले की गहन जांच कर वक्तव्य दें। धन्यवाद। देखिए, मैंने ये कहा है कि क्या देविंदर सिंह मोहरा है या खुद षड्यंत्र का सूत्रधार है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। एक तरफ आप देविंदर सिंह को पुलिस मेडल दे रहे हैं, एक तरफ जब दुनिया के सारे एनवॉयस को आप ले जा रहे हैं तो देविंदर सिंह को उनकी सुरक्षा का जुम्मा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देविंदर सिंह 3 उग्रवादियों को दिल्ली में हमला करने के लिए ला रहा है, और अब सरकार कह रही है कि उसके एवज में उसने केवल 12 लाख रुपए दिए थे। यह पूरी कहानी ही संशय डालती है कि 12 लाख के एवज में वो कैरियर कर रहा था या कोरियर बन गया था टेररिस्ट का। इसकी जांच होनी चाहिए कि देविंदर सिंह के किस की तार जुड़े किससे हैं, अगर जुड़े हैं तो, और वो कौन व्यक्ति है जिससे तार जुड़े हैं या कौन सा समूह है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें भाजपा या कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरे मामले की प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को संज्ञान लेकर गहन जांच करनी चाहिए। सिद्धार्थ, हमने इसका पहले भी आपको जवाब दिया था, देश के आर्म्ड फोर्सेस को
हम कभी राजनीतिक तल्खी या टिप्पणियों के अंदर शामिल नहीं करते। परंतु आपकी जानकारी के लिए 1993-94 में और उससे पहले कई बार देश की संसद ने यूनैनिमस प्रस्ताव पारित कर ये कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए ना उसमें कोई आर्मी चीफ ने नई बात कही, ना मैं नई बात कह रहा, ना श्रीपत नायक जी कोई नई बात कह रहे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लगता हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसके आगे की नीति क्या है उसका निर्णय प्रधानमंत्री को करना है, और जब वो कोई निर्णय करेंगे और हमें इस बारे में हमसे सुझाव लेंगे तो हम राष्ट्रहित में उन्हें अवश्य सुझाव देंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार के, माफ कीजिए, देश को दो बड़े धोखे, महंगाई और बेरोजगारी, ये ही हैं दो तोहफे। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है, देश के लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, खाने की मूलभूत वस्तुएं देश की गृहिणियों, देश के आम जनमानस उसके बजट से बाहर हो गई है। आज पहली बार शायद 2012-13 के बाद महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंची है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महंगाई पर वार, वो चुप बैठे हैं और महंगाई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2019 में 3.15% थी, अगस्त में बढ़कर 3.28% हो गई, सितंबर में 3.99 या 4% हो गई, अक्टूबर 2019 में 4.62% हो गई, नवंबर 2019 में 5.54% हो गई और दिसंबर 2019 में 7.35% हो गई, और आज ये महंगाई 8% को जनवरी 2020 में छू रही है। परंतु सरकार नाकारा और निकम्मी बनी बैठी है, न प्रधानमंत्री कोई जवाब देते, न फूड और सिविल सप्लाईज मंत्री कोई जवाब देते, न भारतीय जनता पार्टी को महंगाई की परवाह, न आम जनमानस के जिंदगी की कोई चिंता। नवंबर 2013 के मुकाबले में आज खाद्य पदार्थों की महंगाई चरम सीमा पर है। एक अनुमान अगर आप लगाएं तो सब्जियों के दाम 60% अधिक बढ़ गए हैं, दालों के दाम 15.5% अधिक बढ़ गए हैं, फूड और बेवरेजेस के दाम 12.5% अधिक बढ़ गए हैं, मीट और मछली के दाम, जो लोग शाकाहारी नहीं मांसाहारी हैं उनके लिए 10% महंगाई में इजाफा हो गया है, और स्पाइसेस यानी मसालों के दाम लगभग 6% बढ़ गए हैं। अब तो भारत में शाकाहारी होना भी अपराध हो गया है क्योंकि 60% इजाफा है। मोदी जी, क्या आप जानते हैं 2014 में प्याज का दाम 8 रुपया किलो था, आज 85 रुपया किलो है। 2014 में टमाटर का दाम 14 रुपया किलो था, आज 39 रुपया किलो है। आलू का दाम 2014 में 8 रुपया किलो था, आज 29 रुपया किलो है। लहसुन खाना पाप हो गया है क्योंकि 290 रुपया किलो है। गोभी भी 58 रुपया किलो है और एक अंडा मोदी जी 6 रुपया किलो के अंदर अब आता है। और केवल यही नहीं, हर खाद्य पदार्थ की ओर देखिए, और मैं ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोट कर रहा हूं आपको मोदी जी, 28 रुपया किलो चावल का भाव था जनवरी 2014 में, आज 34 रुपया किलो है, और अगर बासमती लेने जाएं तो वो 60 रुपया 70 रुपया किलो तक है।
गेहूं का दाम 18 रुपया किलो था 2014 में, आज 25 रुपया किलो पहुंच गया है। चने की दाल 50 रुपया किलो थी, आपके अपने आंकड़े कंज्यूमर अफेयर्स के बताते हैं कि वो 73 रुपया किलो हो गई है। तूर अरहर की दाल जो 70 और 75 रुपया किलो जनवरी 2014 में थी, वो आज बढ़कर 98 और 100 रुपया किलो हो गई है। मूंग की दाल 65 रुपया किलो 2014 में थी, आज आपके मुताबिक 105 रुपया किलो हो गई है। उड़द की दाल 65 रुपया किलो थी, आज 110 रुपया किलो हो गई है। गरीब आदमी ना आटा ले सकता, ना चावल ले सकता, ना प्याज खरीद सकता, ना टमाटर ले सकता, ना लहसुन ले सकता, ना दाल खरीद सकता, तो गरीब आदमी कैसे जिए? और हमारी जो बहनें हैं इस देश की, महिलाएं और बेटियां हैं, उन पर तो ये संकट और भी ज्यादा विकट है, क्योंकि खाने का तेल आसमान को छू रहा है। मोदी जी, हम आपको याद करवाएं, सरसों का तेल जनवरी 2014 में 45 रुपया किलो था, आपके कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़े आज बताते हैं कि ये 136 रुपया किलो हो गया है, 136 रुपया लीटर हो गया है। इसी प्रकार से सोया तेल 96 रुपया किलो जनवरी 2014 में था लीटर, आज ये बढ़कर 122 रुपया लीटर हो गया है प्रति लीटर। सनफ्लावर ऑयल, जो एक और हमारे यहां खाद्यान्न का सबसे बड़ा मापदंड है, जो हमारी बहनें जिस तेल को इस्तेमाल करती हैं, वो आज 122 रुपया लीटर हो गया है।